नमस्कार, मैं अभिषेक। आप देख रहे हैं एनबीसी 24 न्यूज। रोजगार अधिकार महासम्मेलन में तमाम जो अभ्यर्थी बिहार के वो शामिल हुए। आपको बता दें अभी हमारे साथ बीएससी के तमाम अभ्यर्थी हैं। 2011 में इन लोगों की वैकेंसी निकली थी, लेकिन कहीं ना कहीं अभी तक इन लोगों की बहाली नहीं हुई। करीब 6 से 7 साल हो गए, लेकिन कहीं ना कहीं ये लोग दर दर भटक रहे हैं। कुछ अभ्यर्थी बीएससी के, सूरज है हमारे साथ, बीएससी के अभ्यर्थी हैं। रोजगार अधिकार महासम्मेलन में आप शामिल हुए हैं, क्या कुछ मांगे हैं, क्या कहिए? हमारी बहाली जो है 8 साल किसी भी अभ्यर्थी के लिए बहुत बड़ा टाइम है। अब अभ्यर्थियों की सोच है कि 8 साल में मतलब मेंटल स्टेटस हमारे लिए इतने परेशान हो चुके हैं, सोचने वाला नहीं है ना। जो बैठ सकते हैं आयोग सोचते हैं, हम लोग आज मतलब विधि आयोग कल समान करते रहते हैं। कुछ दिनों आप लोगों की काउंसिलिंग भी हुई थी, लेकिन कहीं ना कहीं बहाली नहीं हुई है। काउंसिलिंग हमारी दिसंबर में हुई थी, दिसंबर में जो है, लेकिन अभी तक मतलब वही है, बीच में एनसीएल का पेज फंसा आ गया। गवर्नमेंट का मकसद ही मतलब इरादा ही नहीं है कि वो वैकेंसी को क्लियर करे। किसी न किसी मतलब पहले किसी न किसी मुद्दे से 8 सालों तक फंसा के रखा, अब लगा कि सब कुछ क्लियर हो जाएगा, तो इन्होंने एक नया न्यू एनसीएल को एक्सेप्ट नहीं करने का मामला बीच में ला दिया। जबकि हर एक बहाली में फंस लेते हैं। सीजीएल 2 जिसकी वैकेंसी 2014 में आई थी, उसमें उस वैकेंसी में भी इन्होंने न्यू एनसीएल एक्सेप्ट किया था। इसके अलावा बाकी जो दूसरे वैकेंसी थे उसमें भी इन्होंने न्यू एनसीएल एक्सेप्ट किया। बस इनको फंसाना था ये हमारी वैकेंसी को, इसलिए इन्होंने क्या किया कि इसमें बोर्ड ने किया, मानेंगे नहीं। देखा जाए तो बीते दिनों फिंगरप्रिंट को लेकर भी बहुत सारे बातें निकल के आ रही थी। हाँ, फिंगरप्रिंट में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका मिसमैच हो रहा था। अब तो ये तो मामला उनका भी कोर्ट में ही है, तो ये तो जांच का विषय है। तो जांच होने के बाद ही पता चल पाएगा कि कितने लोग सही है उसमें से। आप अपना नाम बताइए। अभिषेक कुमार, हम छपरा से आए हैं। रोजगार अधिकार महासम्मेलन में शामिल हुए, बेरोजगार है, आप क्या कहिए? हम लोग सिलेक्टेड बेरोजगार है, सिर्फ बेरोजगार नहीं, सिलेक्टेड बेरोजगार है, क्योंकि हम लोग का हर प्रकार से चयन हो चुका है। बस एक फाइनल मतलब जो मेरिट है बाकी है, और वो हम लोग से जान बूझ के, ऐसा नहीं है कि मतलब कोई दिक्कत है, जान बूझ के सरकार हम लोग को इससे दूर रख रही है। आप क्या कहिएगा? अमित कुमार, एक्चुअली मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, सरकार जो है 2016 में कुछ ओबीसी में जो जाति थी उसको ईबीसी में डाला है, ठीक है? तो ये 2016 में ये मैटर उनका जो है वो अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए ये चीज किए, ठीक है? अब जो है ये बहाली में विभिन्न बिहार सरकार की बहाली में ये मैटर लटक रहा है कि 2014 की वैकेंसी है, तो उस टाइम का एनसीएल चाहिए, मतलब प्रीमियर लेयर का सर्टिफिकेट चाहिए या अभी का चाहिए? तो ये जो है मैटर ये सरकार के द्वारा उठाया, मतलब क्रिएट किया गया है कुछ जाति को ईबीसी में डाल के, तो इसको उन्हीं को रिजॉल्व करना चाहिए ना, उन्हीं को रिजॉल्व करना चाहिए। तो समान प्रशासन विभाग को और ये विधि विभाग को लेटर गया है, लेकिन वहाँ से जो रिस्पॉन्स आया है वो आयोग को, तो वो आयोग उस लेटर के आधार पर भी कुछ स्टैंड नहीं ले रहा है। अब ये मैटर है कि ये सब न्यायालय में डाला गया, ठीक है? तो कोई भी जो है अपने स्तर से स्टैंड नहीं लेना चाह रहा, सब चाह रही है कि न्यायालय कुछ ऑर्डर दे तो उसके आधार पर फिर ये ले, ठीक है? बिल्कुल, तमाम मुद्दा आप लोग अपने कार्यालय में रखा है, बीएससी के मेन कार्यालय में जाके आप लोगों ने बात किया है, लेकिन कहीं ना कहीं अधिकारी आप लोगों की बातें नहीं सुनते, कहीं ना कहीं आप लोगों के साथ जो इंसाफ है वो नहीं हो रहा है। जो बिहार से ऐसी निकम्मी आए हो जिसका कुछ कहने का हम लोग के पास सब, एक छोटा सा एनसीएल के लेके इतना बार आयोग में तड़पाया जा रहा है, हाई कोर्ट से मैटर दिखा देगा, यहाँ तक हाई कोर्ट के जज को भी पता है किस पर क्या डिसीजन हमको देना है, ठीक है ना? आज हम लोग को लिस्टिंग कर देंगे ना, जो चाहती हो जाता है जज, लेकिन जब जज को मैटर समझ रहे तो आयोग कितना मन कर समझ रहे हैं। बात एक छोटा सा एनसीएल का इतना मैटर लटकाना, जबकि जिस टाइम ये वैकेंसी आया था उस समय 18 साल कुछ समझ मेरा एज हुआ था, ठीक है? आज हम लोग 27 साल बहाली करती है। फिलहाल इस वीडियो में बताइए तमाम बीएससी के अभ्यर्थी को सुन रहे थे।